Good morning, class 2nd class. This is your English language book, and we have started chapter 18 sentences. So, in our last session, we understood about sentences. That what is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense, okay, and also starts with a capital letter and ends with a full stop. So, any sentence, any group of words that have a complete meaning, complete sense is called a sentence. So, we understood about it and also completed question number A and question number B and C. Okay. So, the next topic is every sentence has two parts. Okay. Parts of a sentence. The naming part and the action part. A sentence has two parts. There are two parts of a sentence, naming part and action part. Naming part is called subject and action part is called predicate. किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं क्लास. एक होता है सब्जेक्ट, जिसको नेमिंग पार्ट कहते हैं, जो डूअर होता है, जो भी उस सेंटेंस में जो करने वाला है, जो डूअर है, जो भी उस सेंटेंस का मेन पार्ट है, जो उस काम को कर रहा है, ठीक, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जिसको नेमिंग पार्ट कहते हैं. वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. एंड सेकंड इज एक्शन पार्ट, मींस प्रेडिकेट. ओके, जो काम वो कर रहा है और जिस भी ऑब्जेक्ट पे कर रहा है, वो क्या होता है? एक्शन पार्ट, मींस प्रेडिकेट. हियर द एग्जांपल इज द गर्ल्स प्ले क्रिकेट. सो हियर द गर्ल्स इज सब्जेक्ट. यहाँ है ना, लड़कियाँ क्रिकेट खेलती हैं. सो कौन खेलता है? गर्ल्स ना, द गर्ल्स. सो द गर्ल्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. इसमें अगर सेंटेंस में हम पूछे कि सब्जेक्ट क्या है या नेमिंग पार्ट क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? द गर्ल्स. और एक्शन पार्ट क्या हुआ? प्ले क्रिकेट. ओके, क्या करती हैं? खेलती हैं. किस चीज़ पर खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं. तो प्ले क्रिकेट क्या हुआ आपका? प्रेडिकेट हुआ, एक्शन पार्ट. और नेमिंग पार्ट्स में सब्जेक्ट क्या हुआ? द गर्ल्स. सो जो भी काम को करता है, सब्जेक्ट हुआ वो, जिसमें जिस तरह इस सेंटेंस में द गर्ल्स. और जो काम वो कर रहा, जिस भी ऑब्जेक्ट पे कर रहा है, जैसे प्ले क्रिकेट, क्या काम कर रहा है यहाँ पे? प्ले कर रहा है, खेलना. और किस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं? क्रिकेट, क्रिकेट खेलती है ना. तो प्ले क्रिकेट क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हुआ. ओके, एक्शन पार्ट. In the given sentence, the naming part is the girls and the action part is play cricket. The naming part must have a noun or a pronoun. Naming part startup में होता है, जो उस सेंटेंस को करने वाला हो, और वो तो या तो noun होता है या तो pronoun होता है. Okay? The action part always has a verb in it. और action part क्या होता है? इसमें action हो, verb हो और object हो. तीन चीज़ें होती हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तब ना एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. तो सब्जेक्ट आपका ये हो गया द गर्ल्स, वर्ब इसमें प्ले है, काम क्या हो रहा है? प्ले हो रहा है ना, तो ये आपका वर्ब हो गया. और क्रिकेट किस चीज़ पे काम हो रहा है? क्रिकेट पे काम हो रहा है, क्रिकेट खेलती हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्ले क्रिकेट इज एक्शन पार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. So clear about this? What is subject or predicate? What is naming part or action part? Now come to the exercise. Question number D. Read the sentences given below and underline the naming part of each sentence. Class, in this question we have to underline the naming part, means subject of a sentence, doer of the sentence. उस sentence में जो भी काम करने वाला है, जो काम उस तो जो सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जो पर्सन है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसे हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है. सो द फर्स्ट इज माई फैमिली वेंट फॉर अ पिकनिक. सो हियर द वर्ड माई फैमिली इज नेमिंग पार्ट, सो अंडरलाइन इट. नेक्स्ट, माई सिस्टर एंड आई शेयर्ड अ टेंट. सो हियर माई सिस्टर एंड आई आर naming part of this sentence. Underline it. Next, my father and I went fishing. So here the words my father and I is naming part. So underline it. Next,
our dog ran in the wood, ran in the woods. So here our dog is a naming part, so underline it. Next, all of us sang around the fire. So here the words all of us is naming part of the sentence, so underline it. And last is the night was cool. So here the word the night is naming part of this sentence, so underline it. So clear class about this? What is naming part? The doer of the sentence, subject of the sentence. जो भी सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जो पर्सन है, ओके, नेमिंग पार्ट में पर्सन ना, सो चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, जो भी उसमें मेन है, जो भी उस काम को करने वाला है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज अ क्वेश्चन, इट इज एन आस्किंग क्वेश्चन. हियर इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स आस्किंग क्वेश्चन. जब भी कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो क्या होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. इसमें क्या होता है, जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जस्ट लाइक हियर, व्हाट इज द टाइम प्लीज. हियर दिस गर्ल आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस बॉय दैट व्हाट इज द टाइम प्लीज, कि मुझको टाइम बताना, टाइम इस समय क्या हो रहा है. एक सो हियर दिस इज अ क्वेश्चन, इट इज एन आस्किंग क्वेश्चन. क्वेश्चंस एंड विथ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क. इन द एंड ऑफ अ क्वेश्चन वी यूज अ क्वेश्चन मार्क. जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो राइट लास्ट में क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं ना. सम ऑफ द कॉमनली यूज क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हाट, व्हिच, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. व्हेनेवर वी आस्क अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल स्टार्ट विथ All these words, जो सारे words हैं ना, इसको question words कहते हैं. What, which, who, where, when, why, and how. ठीक, कभी भी question पूछते हैं तो इन्हीं words से question पूछते हैं ना. That's why these all are question words. Now come to the exercise. Some answered sentences are given below, followed by their questions sentences. But the question words are missing. From the questions, write the correct question words in the blanks. Class, here in this question, first sentence is answer. जो first sentence दिया वो क्या answer है, okay? And the second sentence is question. जो second sentence है वो क्या question है. But in this question sentences, question words are missing. इसमें क्या है, question word जो है वो missing है. ठीक, हमें क्या करना है, वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पुट करना है, लगाना, राइट करना है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, जो ये आंसर लिखा हुआ है उसी का क्वेश्चन यहाँ पे हमको राइट करना है. क्वेश्चन राइट है, बस क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन वर्ड हमको यूज करना है. जस्ट लाइक हियर, राहुल लाइक्स स्टोरी, हु लाइक्स स्टोरी, हु लाइक्स स्टोरी, राहुल लाइक्स स्टोरी. हुआ ना क्वेश्चन आंसर, जैसे आप कॉपी में राइट डाउन करते हो, हु लाइक्स स्टोरीज, राहुल लाइक्स स्टोरीज. ओके, नेक्स्ट, सारा गोज टू स्कूल बाय बस, हाउ डज सारा गो टू स्कूल. ओके, सारा स्कूल कैसे जाती है, सारा स्कूल बस से जाती है. एन एप्पल इज अ फ्रूट, व्हाट इज एन एप्पल, एप्पल क्या है, एप्पल फ्रूट है. मदर इज लीविंग फॉर पुणे टुडे, व्हेन इज मदर लीविंग फॉर पुणे. मम्मा जो है, मदर जो है, पुणे के लिए कब जा रही है, तो आज जा रही है. सो क्लियर क्लास अबाउट दिस, हाउ टू मेक अ क्वेश्चन सेंटेंस, किस तरह से हमको क्वेश्चन बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट वन मोर हियर, क्वेश्चन नंबर 5, रायपुर इज इन इंडिया. सो द क्वेश्चन इज, वेयर इज रायपुर, वेयर इज रायपुर, रायपुर इज इन इंडिया. ओके, सो क्लियर अबाउट दैट, हाउ टू मेक अ क्वेश्चन. नेक्स्ट थिंग इज, सम क्वेश्चंस डू नॉट हैव क्वेश्चन वर्ड्स. ओके, with some question we don't use any question words, they begin with verbs. Okay, we make a question with helping verbs like was, were, is, am, are, will, shall. Kuch question kya hote hain jisme jo question words hai na, what, where, when, how, who, iska use hum log nahi karte hain. Okay, karte kya hai tab, jo helping verb hote hain na, is, am, are, was, were, will, shall,
इसका यूज़ करके भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं. जस्ट लाइक हियर इज ईरा प्रेजेंट टुडे. सो हियर हेल्पिंग वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन बनाएं. इसका आंसर क्या होता है, या तो यस नो में भी होता है इसका आंसर. जस्ट लाइक हियर इज ईरा प्रेजेंट टुडे, क्या ईरा प्रेजेंट है आज. अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करेगा तो आप आंसर क्या दोगे, यस या नो में. और इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, ईरा इज प्रेजेंट टुडे. स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होगा इसका, ईरा इज प्रेजेंट टुडे. सो आपको क्या करना है, बस जो इज एम आर वॉज वर विल शैल है उसको फर्स्ट प्लेस पे कर देना और आपका क्वेश्चन रेडी. जस्ट लाइक हियर क्वेश्चन नंबर एफ, पुट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म क्वेश्चंस. हियर देयर आर सम सेंटेंसेस एंड वी हैव टू चेंज इट इन अ क्वेश्चन सेंटेंस. जस्ट लाइक हियर दिस इज योर कैप. सो हियर हेल्पिंग वर्ब इज ना, यहाँ पे आपको इज दिखा ना, बस इज को आपको फर्स्ट प्लेस पे कर देना. जस्ट लाइक हियर इज दिस योर कैप. क्लियर हुआ, इजी है ना. इज एम आर वॉज वर विल शैल, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखे उसको वहाँ से रिमूव करके फर्स्ट प्लेस पे कर देना है. दोबारा मत लिख देना, ये नहीं कि यहाँ पे भी लिखे और यहाँ पे भी लिखे, तब वो रॉन्ग हो जाएगा. बस यहाँ से इसको उठा करके यहाँ से रिमूव करके फर्स्ट प्लेस पे कर देना है एंड क्वेश्चन इज रेडी. इज दिस योर कैप, दिस इज योर कैप, इज दिस योर कैप. नेक्स्ट, माई बैग इज देयर, इज माई बैग देयर. ओके, इज माई बैग देयर. नेक्स्ट, दिस इज योर पेंसिल, इज दिस योर पेंसिल. नेक्स्ट, द डॉग वॉज बार्किंग, वॉज द डॉग बार्किंग. दैट वॉज अ बी, वॉज दैट अ बी. नेक्स्ट, तरुण वॉज डांसिंग, वॉज तरुण डांसिंग. नेक्स्ट, इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग. सुरेश वॉज अ पायलट, वॉज सुरेश अ पायलट. एंड रिमेंबर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यूज अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट वेन एवर यू आस्क अ क्वेश्चन. इफ इट्स अ क्वेश्चन सेंटेंस देन यूज अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट. जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, चाहे वो वॉज वर वेयर से स्टार्ट हो या इज एम आर वॉज विल शैल इससे स्टार्ट हो, जिससे भी स्टार्ट हो, लास्ट में आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है. सो हियर क्लास दिस चैप्टर, चैप्टर 18 सेंटेंसेस टोटली कंप्लीटेड, इन विच यू लर्न अबाउट सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ओके, एंड ऑल्सो क्वेश्चन सेंटेंसेस. सो क्लास इट्स इनफ फॉर द डे. होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो थैंक यू क्लास.